देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे, और अगर बहुत बढ़िया ना हो तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत बढ़िया हो ही जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। मंकियों के ऐसे ऐसे फनी काम है जो आपको इस वीडियो में देखने को बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट। आप सभी लोगों को एक बात तो पता होगी कि बंदर होते हैं ना, ये इंसानों के जैसे रिएक्ट करते हैं, और आप लोगों को इस वीडियो में देखकर कुछ ऐसा लगेगा भी। अब देखिए कि ये बंदर एक भेड़ के ऊपर बैठा है। भाई साहब, मुझे हंसी आ रही इस वीडियो को देखकर। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये कि ये भेड़ भी उसका विरोध नहीं कर रही और आसानी से अपनी पीठ पर बिठा कर ले जा रही है। कभी कभी क्या होता है कि चोर भी इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं कि हमारी आंखों के तले से चोरियां कर ले जाते हैं। और सबसे खास बात कि इतने प्रोफेशनल चोर होते हैं कि हमें कुछ पता भी नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब हमारी चीज या वस्तु चोरी हो जाती तब हमें पता चलता है कि कोई चोर था। और अगर हम CCTV कैमरा में उसको पकड़ लें तो हमें पता चलता, नहीं तो चोरी करने का तरीका इतना एडवांस होता है जी कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता और चोरी हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब देखिए कि दादाजी ने चोरी कितने एडवांस तरीके से की। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, भाई साहब अगर CCTV कैमरा ना होता ना, या ये कोई वीडियो ना होता, तो इस दादाजी की चोरी को पकड़ा ही नहीं जाता। भाई क्या गजब का सीन है। दोस्तों आप लोगों को एक बात तो पता होगी, बहुत से लोग या रिसर्च ये बताती है कि बंदर होते हैं ना, बंदर से ही इंसान बना। लेकिन बहुत से पॉलिटिशियन ये बोलते हैं, किताबों के ऊपर क्लेम करते हैं, वैज्ञानिकों के ऊपर क्लेम करते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आज के बंदर इंसान कब बनेंगे। भाई साहब, ये कोई लॉजिक हुआ कि आज के इंसान बंदर कब बनेंगे? मतलब आज के बंदर इंसान कब बनेंगे? तो अब आप देखिए कि आज के बंदर भी इंसान बनने की राह पर निकल चुके हैं, बस उन्हें पूंछ हटा दो और वो इंसान बन जाएंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब, ये तो डिसलाइक होता है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलो अब वीडियो की श्रृंखला में बढ़ते हैं कुछ आगे, लेकिन हाँ ध्यान रखना सब्सक्राइब और लाइक बजा के जाना। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अजीब गरीब आदतों की वजह से, अजीब गरीब एक्टिविटी की वजह से भाई साहब इस दुनिया की नाक में दम कर देते हैं। कमाते लगातार सफर ये इसे मारते, लगातार काम ये इसे भी मारते, ये है गहरा काला काजल। नाक में दम नहीं होता जी, हंस हंस के हमें पागल कर देते हैं, और आप लोगों को दिख रहा होगा भाई क्या सीन है। आप सभी लोग एक बात तो जानते होंगे कि बंदर होते हैं ना, ये कुत्तों से डरते हैं, क्योंकि भाई कुत्ते होते हैं ये अपनी दादागिरी ऐसे चलाते हैं, झुंड में आते हैं और जहाँ पर भी बंदर होते हैं वहाँ पर आकर भौंकने लगते हैं, वर्किंग करने लगते हैं। लेकिन कुछ कुछ बंदर इतने ज़्यादा ढीठ होते हैं भाई साहब कि कुत्तों की नाक में ही दम कर देते हैं, और कुत्तों से डरना तो दूर, कुत्ते नाम से भी वो नहीं डरते। अब आप लोगों को जो सीन दिखा रहा हूँ ना बंदरों के, ये कुत्ते के ऊपर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि कुत्ता भी सोचता होगा कि भाई आज गलत बंदर से पंगा ले बैठे। कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुत्तों के आगे दर्पण को रखा कि कुत्तों का रिएक्शन होता क्या है जब उनके सामने दर्पण होता है। तो भाई साहब, कुत्तों का रिएक्शन तो बड़ा ही देखने को मिलता, अपने आप को रॉक स्टार समझते हैं साले।
और ऐसा ही अगर बंदरों के सामने कर दिया जाए तो वो भी अपने आप को रॉक स्टार ही समझते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये दूसरी दुनिया से आए हैं साले। और ऐसा लगता है कि साले अपनी सूरत आईने में पहली बार देख रहे हैं, और वाकई पहली बार ही देख रहे हैं, तभी तो इतना ज़्यादा आश्चर्य होगा ना इन जानवरों को।